हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग टेक्निकल क्लेवर राज। तो यार कैसे आप लोग, मेरा नाम है राज। मैं एक और वीडियो आप लोगों के लेकर आया हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आपने सपोज़ अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, ठीक है, लेकिन आपके पास माइक नहीं है, ठीक है, आप बिना माइक के ही अपने वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, बिना माइक के अपने फ़ोन से वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो और वहाँ से वॉइस प्रॉब्लम आ रही है आपको समझ। क्योंकि अगर आपके वीडियो में अगर वॉइस आपकी अच्छी रहेगी तभी तो आपके वीडियो को लोग देखेंगे ना, और लेकिन अगर आपकी वीडियो में वॉइस ही नहीं अच्छी है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है जो बंदा तुम्हारी वीडियो देख रहा है, तो वो वीडियो को तुम्हारे सब्सक्राइब क्यों करेगा यार, तुम्हारे वीडियो पे व्यू क्यों आएगा, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो आज मैं आपको ऐसे कॉलर माइक के 5 कॉलर माइक के बारे में बताने वाला हूँ, जो चीपेस्ट प्राइस से लेके 899 रुपीस तक है, ठीक है, कॉलर माइक, उसके बारे में मैं अभी तो ऐसे मैं 5 कॉलर माइक के बारे में बताने वाला हूँ जो चीपेस्ट प्राइस से लेकर, ठीक है, जैसे 86 रुपीस से लेकर 899 तक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर बिना टाइम वेस्ट करें। उससे पहले आप मेरे चैनल पे आप नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहेगी। ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के लाता रहता हूँ। और आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करें, मेरा यूज़र नेम है cleverraz7, ठीक है। और ये मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनका बजट बहुत कम है, ठीक है, उनका बजट ही इतना 100-200-250 तक का, ठीक है। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, स्किप मत करना वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी, तभी तो आप समझोगे कि हमें कौन सा माइक लेना चाहिए, कॉलर माइक, या कौन सा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारी वॉइस के ऊपर, ठीक है, कि कौन सा बेस्ट माइक है जिससे तुम्हारी वॉइस को रिकॉर्ड कर सके, ठीक है। तो चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर, ओके। तो दोस्तों आपको कॉलर माइक लेना है, ठीक है, तो मैंने 5 कॉलर माइक रखा है, ठीक है। और मैं सबसे पहले जो माइक की जो स्टार्टिंग करने वाला हूँ, चीपेस्ट प्राइस से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। 86 रुपीज़ का ये माइक है, और ये 5 माइक के बारे में बताने वाला हूँ। एंड तक ये वीडियो को देखना, अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो आप कैसे 86 रुपीज़ से लेके आप 800 तक माइक परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ, आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, ठीक है। अब ये जो माइक है ये 86 रुपीज़ का है, ठीक है, मैं आपको बता दूँगी। और इसका जो वायर लेंथ है वो 1.5 मीटर के करीब है, ठीक है। और ये इसमें एक ही चीज़ है, आपको इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी इसमें सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है, नॉर्मल जो माइक आता है, यहाँ पे लिखा भी है YouTube कॉलर माइक वॉइस रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और इसके अंदर में बस वो ये कि नॉइज़ कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये आप एक माइक ये देख लेना, आप इनमें से अगर लेना हो तो, और ये ले लेना अगर बजट इतना है तो। अगर आपको नॉइज़ कैलकुलेशन का आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, जैसे थोड़ी बहुत बैकग्राउंड जो नॉइज़ आती है ना, कोई अगर चिल्ला रहा हल्का फुल्का, अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो उस टाइम पर, ठीक है, और उस टाइम पर मतलब उसको रिकॉर्ड जो कोई चिल्ला रहा होगा ना, तो उसको अगर आपके माइक में नॉइज़ कैलकुलेशन होगा तो क्या करेगा, पीछे का जो बैकग्राउंड जो नॉइज़ आ रहा होगा ना, उसको वो आने नहीं देगा, ठीक है, बंद कर देगा उसको, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है, ठीक है, इस माइक के अंदर में। अगर नहीं लेना तो फिर देख लेना, थोड़ा सा अगर आपका बजट और अच्छा है तो मैं अभी दूसरा दिखा देता हूँ आपको कॉलर माइक, ठीक है। तो हम आ जाते हैं दूसरे कॉलर माइक के ऊपर, ठीक है। तो ये जो माइक है इसका जो प्राइस है वो 140 रुपीज़ के करीब है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। इसके साथ में आपको ऐसा कवर मिलेगा, पहला तो ये ब्लैक कवर मिलेगा, ठीक है। और ये 360 है, ठीक है, आपका पूरा जो वॉइस है वो 360 में मतलब रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। और इसमें 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है आपको। अभी ये मेरे को बहुत सही लगा, ये इसकी मतलब क्वालिटी देखे तो बहुत बेस्ट है। बस प्रॉब्लम एक ही है कि इसका भी जो वायर लेंथ है वो 1.5 मीटर के करीब है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है इसका। अगर इसमें एक ही प्रॉब्लम है, अगर ये जो वायर है वो 2-2.5 मीटर होता तो फिर बढ़िया हो जाता, क्योंकि 1.5 मीटर बहुत कम होता है, आपको भी पता अच्छे से कितना क्या होगा उसके अंदर। लेकिन हाँ, इसमें यह है कि 1 ईयर की वारंटी है, क्वालिटी अच्छी है। और यहाँ पर इसमें आपको 140 रुपीज़ में आपको नॉइज़ कैलकुलेशन भी मिलता है, ठीक है। तो एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपके, अगर आप कॉलर माइक ले रहे हो
तो ये बहुत बढ़िया चीज़ आती है आपके लिए, ठीक है। तो आप अपने देख सकते हो, अब आपको मैंने बता दिया, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना पैसा। 86 रुपीज़ से बेटर है कि आप उसमें 60 रुपीज़ डाल के आप 140 रुपीज़ का ये वाला माइक ले लो आप, ठीक है। ये बहुत बेस्ट है, ये हो गया। इससे बढ़िया क्वालिटी का और चाहिए तो उसमें भी मतलब सेम ही होगा, बस फ़र्क इतना ही है कि सब मैं आपको दिखा देता हूँ, अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। इसमें भी आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। अब मैं तीसरे वाले माइक पे आ गया, मैं आपको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर इसमें भी ये है कि क्वालिटी इसकी अच्छी है, गुड आपको मिल जाएगा इसमें क्वालिटी। ये सारी चीज़ें इसमें दी है, लैपटॉप वैपटॉप सब में कनेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। कैमरा मैज आपके, ठीक है। ये भी आपको नॉइस कैलकुलेशन मिलता है और 360 की, तो इसका भी जो सेम है वो यही है। इसका जो प्राइस है वो पड़ता है आपको 159 रुपीज़ का, ये मतलब कि 160 रुपीज़ मान लो आप, ठीक है। और इसमें भी जो है आपको आपका ये जो माइक है, फ़ोन में, लैपटॉप में, टैब में, कंप्यूटर में, आपके कैमरे में, सब में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो यूज़फुल है, ये सारी क्लिप दिया हुआ है, क्लिप की क्वालिटी दी हुई है, अच्छी क्लिप है, ठीक है इसके अंदर में। उसके बाद जो इसके अंदर में जो तीसरा जो आता है, ये बिजनेसमैन भी सारे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, और किसी मीटिंग वीटिंग के लिए। और तीसरा जो है ये भी 360 है, ठीक है। जो पिछले वाला दिखाया था वो भी 360 था, ठीक है। उसके बाद ये सब में कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये नॉइस कैलकुलेशन भी है, ठीक है, माइक, ठीक है, फॉर वॉइस रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ये भी मैंने आपको दिखा दिया एक अच्छे प्राइस में, अच्छे बजट में, ठीक है, आपको मिल जाएगा ये। उसके बाद चौथे माइक के ऊपर चलते हैं, चौथे माइक मैं दिखा देता हूँ आपको, वापस चौथे वाले पे आ जाते हैं। अब इसका जो प्राइस है ना वो 180 रुपीज़ का आ जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है, ये 180 रुपीज़ का है। इसको आप देख लेना, बस प्रॉब्लम यही है कि इन सब का जो वायर लेंथ है ना वो ज़्यादा नहीं है, 1.5 मीटर के करीब ही है। इसका भी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है, ज़्यादा नहीं है इसका, ठीक है। पर इसमें भी आपको सब सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है, नॉइस कैलकुलेशन भी इसमें है, ठीक है, आपको इसमें सारी चीज़ें मिलती है। 180 रुपीज़ का है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, ठीक है। जिसका वायर जो होगा ना, ये मोटा, काफ़ी ज़्यादा मोटा हैवी होगा ये, ठीक है, मतलब अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, ऐसा नहीं है कि मतलब लो क्वालिटी का या बेकार क्वालिटी का होगा, अच्छा होगा। बस ये है कि इसमें आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, बस एक ही चीज़ है इसमें, नॉइस कैलकुलेशन, ठीक है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, 180 रुपीज़ में, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और जो सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है, जो सबका फेवरेट है, ठीक है, आपको अच्छे से पता ही होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको मैं देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट माइक जो बताया, इन चारों में से आपको जो लेना है, बजट प्राइस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, एक बजट प्राइस के हिसाब से कि आप ले सकते हो चीपेस्ट प्राइस से। और थोड़ा अगर आपको अच्छी क्वालिटी का ही लेना है, ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई समझ में नहीं आ रहा है, एक अच्छी क्वालिटी का ही लेना है, तो फिर आप सीधा आ जाओ बोया M1 पर, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपको अभी ये मिल रहा है 899 रुपये का, बट इसके साथ में आपको एक गिफ्ट भी मिल रहा है फ्री, ठीक है। इसके साथ में आप देख सकते हो यहाँ पर, ये इसके साथ में फ्री मिल रहा है आपको, ठीक है। और ये इसमें आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूँ, इसमें आपको एक ये चीज़ फ्री मिल रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये भी नॉइस कैलकुलेशन तो है ही है, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग माइक है, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर यूज़ करते हैं लोग, सबसे ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा, कैमरे में, आईफोन में, DSLR कैमरे में, ठीक है, और ये सब जगह यूज़ हो जाता है ये, ठीक है। और जो इसका वायर लेंथ है ना, वायर लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है इसका, ये नहीं कि मतलब जितने भी, अभी मैंने तुम्हें चार माइक दिखाए ना, चारों में आपको 1.5 मीटर का वायर लेंथ मिलता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा वायर लेंथ मिलता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है यहाँ पर, ठीक है, 19.68 फिट, ठीक है, आप सोच समझ सकते हो ये कितना लंबा बैठ जाएगा ये वायर इसका, ठीक है। तो मैं ऐसे तो बता नहीं सकता क्योंकि मेरे पास है नहीं ये, अब मैं भी जल्दी लूँगा, जल्दी परचेज करूँगा, इसकी अनबॉक्सिंग आपको देखने ज़रूर मिलेगी, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। तो ये सबसे फेवरेट है, सबसे ज़्यादा यूट्यूबर इसको यूज़ भी करते हैं, बोया M1 को, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ये माइक काफ़ी अच्छा भी है दिखने में, ठीक है।
और इसका जो वायर वायर की जो प्रॉब्लम है ना वो इसके अंदर नहीं दिखने को मिलती, क्योंकि सारे माइक में जो भी आप माइक लेते हो उसमें वायर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन इसमें आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको वायर बहुत मिलता है इसमें, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर में। तो आप ये कॉलर माइक ले सकते हो, ठीक है, इसमें मेरे को यही चीज़ इसमें अच्छी लगी, ठीक है। और एक तो ये मतलब ब्रांडेड है, ब्रांड भी है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है और सबसे ज़्यादा लोग उसको यूज़ भी करते हैं, बोया M1 को, ठीक है। और 800 रुपये का, 899 रुपये का मिल रहा है आपको ये, और प्लस साथ में एक गिफ्ट भी मिल रहा है आपको, तो आप ये परचेज़ कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग, मैंने पाँचों माइक आपको बता दिए कॉलर माइक। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, और इन सबका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं इनमें से कोई भी, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहेगी। ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।